हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो क्लास टेंथ में फिजिक्स में जो नया टॉपिक है, जो अगला टॉपिक शुरू करना था हम लोगों को, वो है इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो पावर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। ठीक है, तो पावर को ऐसे समझिए कि पावर होता क्या है। पावर को कहा जाता है शक्ति। ठीक है, तो शक्ति का मतलब जनरली हम क्या करते हैं, बच्चे एनर्जी से लगा देते हैं, लेकिन एनर्जी और पावर दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है, एनर्जी का मतलब क्या होता है, एनर्जी मतलब होता है कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। कोई आदमी कितना काम कर सकता है या कोई मशीन कितना काम कर सकती है, दैट इज कॉल्ड एज एनर्जी। ठीक है, पावर का मतलब क्या होता है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, और रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब किस रेट से वर्क हो रहा है, या रेट ऑफ कंज्यूमिंग एनर्जी, किस रेट से एनर्जी कंज्यूम हो रही है, वो क्या होता है, पावर होता है। जैसे मैं आपसे कहूँ, सिंपली अगर समझना चाहें आप, कि जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी है, ठीक है, और कोई खेत है, कोई फील्ड है, ठीक है, उसको वो जोत रहा है, या मतलब जैसे क्या कहते हैं, फावड़े से उसको खन रहा है, ठीक है, तो कोड़ रहा है, जिसको कोड़ना बोलते हैं। ठीक है, तो अगर एक आदमी उसी खेत को एक दिन में कोड़ देता है और दूसरा आदमी उसी खेत को दो दिन में कोड़ता है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए काम तो दोनों बराबर कर रहे हैं, वर्क दोनों का सेम है। ठीक है, जितनी जमीन थी उतना वो कोड़ दे रहे हैं, लेकिन एक आदमी एक दिन में कोड़ रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, दो दिन में कोड़ रहा है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि पहले वाले की पावर क्या है, ज़्यादा है, दूसरे वाले की पावर क्या है, कम है। ठीक है, मतलब कि जो मशीन या जो आदमी जितने कम समय में जितना ज़्यादा काम करता है, उसका पावर उतना ही क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक पावर पढ़ना है, पावर का कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक के सेंस में पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए इसको डिफाइन कैसे करते हैं, कि रेट ऑफ डूइंग वर्क बाई एन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज कॉल्ड एज इट्स पावर। कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ठीक है, जिस रेट से वर्क करता है वो क्या कहलाता है, उसका पावर कहलाता है। तो पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, P इक्वल टू W अपॉन T। या इसको दूसरे तरीके से कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एनर्जी के सेंस में, रेट ऑफ कंज्यूमिंग एनर्जी बाय एन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज कॉल्ड एज इट्स पावर। ठीक है, कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ठीक है, जिस रेट से एनर्जी को क्या करता है, कंज्यूम करता है, वो उसका क्या कहलाता है, पावर कहलाता है। तो पावर इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम, P इक्वल टू E अपॉन T। ठीक है, तो इसको आप दोनों फार्मूले में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर वर्क दिया होगा तो वर्क के सेंस में ये फार्मूला यूज होगा, और अगर एनर्जी दी हो गई तो एनर्जी के सेंस में क्या करते हैं, इस फार्मूले को यूज करते हैं। ठीक है, अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ पावर। ठीक है, तो पावर का यूनिट देखिए, देखिए पी इक्वल टू क्या आपने लिखा, डब्ल्यू अपॉन टी। तो अगर हम बात करें यूनिट ऑफ पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ डब्ल्यू बटे यूनिट ऑफ पी। बात समझ गया, अगर हमको पावर का यूनिट निकालना है तो क्या होगा, पी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी होता है, तो यूनिट ऑफ पी इक्वल टू हो जाएगा यूनिट ऑफ डब्ल्यू डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ पी। अब बात आती है कि डब्ल्यू डब्ल्यू क्या है, वर्क है, वर्क है चाहे एनर्जी है, तो इसका यूनिट क्या होता है, जूल। ठीक है, और टाइम ठीक क्या है, टाइम में टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो पावर का यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर सेकेंड। ठीक है, और इसी जूल पर सेकेंड को एक स्पेशल नाम दिया गया है, और उसको हम कहते हैं क्या, वाट। ठीक है, क्या कहते हैं, वाट। तो पावर का यूनिट जो होता है वो क्या होता है, वाट होता है। ठीक है, तो यूनिट ऑफ पी इक्वल टू हो गया वाट। ठीक है, तो हमें आ गया होगा आप लोगों को। अब देखिए अगर बात करें, ठीक है, तो एक वाट जो होता है, ठीक है, वो 1 जूल पर सेकेंड होता है। ठीक है, जूल पर सेकेंड को ही वाट कहा जाता है ना, तो एक वाट क्या होता है, 1 जूल पर सेकेंड के बराबर होता है। ठीक है, अब बात यह आती है, अगर मैं कहा जाए कि 1 जूल का पावर होता क्या है, व्हाट इज सॉरी 1 वाट का पावर क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लो कई बार मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूँ कि 1 किलो चीनी खरीदते हो आप, ठीक है, दुकान पे जाओ, अगर वो आपको आधा किलो दे दे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आपके दिमाग में एक बात बैठी हुई कि यहाँ 1 किलो कितना, एक फीलिंग है ये कि 1 किलो कितना होता है। ठीक है, वैसे अगर कहा जाए कि 1 वाट, जैसे हम बल्ब लाते हैं ना, कहते हैं कि 7 वाट का बल्ब है, 5 वाट का बल्ब है, 2 वाट का बल्ब है, बात समझ में आ रहा है, तो ये एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो एक चीज देखो जरा, अगर मैं आपसे कहूं पावर ऑफ 1 वाट, 1 वाट का पावर क्या होता है, ठीक है, तो P इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन T। तो अगर आप मान लो इफ W इक्वल टू 1 जूल, ठीक है, और टाइम कितना हो, 1 सेकेंड हो, ठीक है, तो P इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन 1, ठीक है, कितना हो जाएगा, 1 जूल पर सेकेंड। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलेंगे, 1 वाट बोलेंगे।
ठीक है, बात समझ गए। P इक्वल टू क्या हो गया, 1 जूल पर सेकेंड, और ये क्या हो गया, 1 वाट हो गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई मेडिकल इक्विपमेंट, ठीक है, 1 जूल वर्ष 1 सेकेंड में करता है तो उसकी पावर कितनी होती है, 1 वाट होती है, 1 वाट। ठीक है, मतलब कि इफ एन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट डज 1 जूल वर्क इन 1 सेकेंड, देन द पावर ऑफ द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज हाउ मच, 1 वाट। बात समझ में आ गया, अगर कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट 1 जूल का काम 1 सेकेंड में करता है तो उसकी पावर क्या होगी, 1 वाट होगी। अगर आप इसको एनर्जी के सेंस में डिफाइन करें, P इक्वल टू ये पार्टी, ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट 1 जूल एनर्जी 1 सेकेंड के अंदर कंज्यूम करता है तो उसका पावर कितना होगा, 1 वाट होगा। ठीक है, अब इसको समझिए, जैसे बल्ब खरीद के ले आते हैं हम, तो कहते हैं ये 100 वाट का बल्ब है, ठीक है, या आजकल LED बल्ब आ रहा है, ठीक है, 3 वाट 5 वाट 7 वाट 10 वाट ऐसे बल्ब आते हैं, ठीक है। तो अगर कोई 5 वाट का बल्ब है, 5 वाट का बल्ब है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ अगर वो 5 वाट का बल्ब है तो वो 5 जूल एनर्जी, ठीक है, 1 सेकेंड के अंदर कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज अच्छी तरह समझ लीजिएगा। ठीक है, अगर किसी बल्ब का पावर लिखा हुआ कि 5 वाट का बल्ब है, तो इसका मतलब उसको 1 सेकेंड में 5 जूल एनर्जी चाहिए, तब वो क्या होगा, ठीक से काम करेगा। तो ऐसे सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं जिनका अलग अलग रेटिंग होता है, उसको पावर रेटिंग कहा जाता है। जैसे आप देखते होंगे कि कोई, जैसे आप कोई भी चीज खरीद के लाते हैं, उस पर लिखा रहता है 220 वोल्ट 1500 वाट। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके घर में फ्रिज है, ठीक है, और उस पर लिखा हुआ 220 वोल्ट 1500 वाट, इसको हम कहते हैं पावर रेटिंग। क्या कहते हैं, पावर रेटिंग। ये नया चीज है, इसको समझिएगा आप लोग, ठीक है, ये टॉपिक ये आपके सिलेबस में समझ लीजिएगा। पावर रेटिंग क्या होता है, जैसे मान लीजिए लिखा है 220 वोल्ट 1500 वाट लिखा है, तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि पहले चीज उसको चलने के लिए, ठीक ठाक चलने के लिए कितना चाहिए, 220 वोल्ट चाहिए। जनरली जो हमारे यहाँ पावर सप्लाई आती है वो कितनी होती है, 220 वोल्ट होती है, जो बाहर से आती है, ठीक है, और 1500 वाट मतलब 220 वोल्ट पे वो 1500 वाट उसका पावर होगा, मतलब कि 220 वोल्ट पे 1500 जूल एनर्जी वो 1 सेकेंड में क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। जैसे HP होता है, ठीक है, या जैसे कहते हैं ना मोटर 1 HP का है, ठीक है, तो HP क्या होता है, HP क्या होता है, हार्स पावर होता है। ठीक है, तो इतना आप लोगों के समझ में आ गया होगा, तो पहले इसको आप नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, फिर मैं आगे बता रहा हूँ। अब हम देखते हैं अदर यूनिट ऑफ पावर, पावर के अदर यूनिट क्या होते हैं, पावर के बहुत सारे यूनिट होते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने एक बताया आपको, वाट होता है, 1 वाट क्या होता है, 1 जूल पर सेकंड के बराबर होता है, ठीक है, 1 जूल वर्क अगर 1 सेकंड में होगा तो पावर क्या होगी, 1 वाट, ठीक है। अब इसके जो होते हैं बड़े यूनिट होते हैं, जैसे किलो वाट है, 1 किलो वाट, ठीक है, इसको KW कहा जाता है, ठीक है, इक्वल टू होता है 10^3 वाट, मतलब 1000 वाट के बराबर होता है, ठीक है। इसके बाद मेगा वाट होता है, ठीक, मेगा वाट का मतलब होता है, इसको कहते हैं MW, ठीक है, ये होता है 10^6 वाट, ठीक है, 1000000 वाट हो जाता है। इसके बाद होता है HP, हॉर्स पावर, हॉर्स पावर, ठीक है, HP, ये जो होता है 746 वाट होता है, ठीक है। जैसे हमारे घर में ये HP एक्चुअल में ब्रिटिश यूनिट है, अंग्रेज गए, अंग्रेज छोड़ गए, ये जो है हॉर्स पावर जो होता है ये अंग्रेजों का यूनिट है, ब्रिटिश प्रणाली होती है ये 746 वाट, 746 वाट के बराबर होता है। तो जैसे हमारे घर में क्या होता है, कहते हैं ना 1 HP का मोटर है या आधा HP का मोटर है, तो अगर 1 HP का जो मोटर होगा तो क्या होगा, 746, ठीक है, जूल एनर्जी 1 सेकंड में वो क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। या आप ये भी कह सकते हैं कि 746 जूल वर्क 1 सेकंड के अंदर वो करेगा। तो ये क्या होता है, HP होता है। तो ये अदर यूनिट हो गया पावर, ठीक है, पावर। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ पावर, पावर को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ठीक है, तो पावर का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, देखिए, ठीक, मैंने आपको क्या बताया, P = W/T, ठीक है, P = क्या होता है, W/T, ये तो आपका पहला फार्मूला हो गया, दिस इज द फर्स्ट फार्मूला फॉर पावर, ठीक है। अब इसी फार्मूले से हम अलग अलग फार्मूला क्या करेंगे, बनाएंगे, ठीक है, तो जहां जो टर्म दिया रहता है उसमें उस फार्मूले को हम यूज करके फिर आगे हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो, आपको पता है, क्या पता है, ठीक है, B = क्या होता है, W/Q होता है, ठीक है, तो W = क्या हो जाएगा, VQ हो जाएगा, W = क्या हो जाएगा, VQ, ठीक है।
अब जो है आप एक चीज ये कर सकते हैं कि अगर W को W का वैल्यू यहाँ पे वी क्यू पुट कर देंगे तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी क्यू अपान P, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, दूसरा फार्मूला हो गया पावर का, ठीक है। अब देखिए Q इक्वल टू क्या होता है, आप जानते हैं Q इक्वल टू होता है आई टी, जो पढ़ा है ना, आई इक्वल टू क्यू अपान टी होता है, तो Q इक्वल टू क्या होता है आई टी, क्यू क्या है चार्ज है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप Q की जगह आई टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इक्वल टू वी क्यू अपान टी, ठीक है। तो यहाँ पे हम Q की जगह लिख सकते हैं आई टी, तो आई टी अपान टी, तो टी से टी कैंसिल हो गया, P इक्वल टू क्या हो जाएगा, V I हो जाएगा, ठीक है। ये तीसरा फार्मूला हो गया। अच्छा हाँ, ये सब वाट में आता है, ये जो कैलकुलेशन होता है किसमें होता है, वाट में। ये भी वाट होता है, ये भी वाट होता है, ठीक है, और ये भी क्या होता है, वाट होता है, ठीक है। P इक्वल टू वी आई वाट, ठीक। उसके बाद अब आप ओम साहब को आ जाइए, फ्रॉम ओम सला। ओम साहब क्या कहते हैं, ठीक है, पढ़ा है आपने वी इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है, होता है वी इक्वल टू आई आर, वी की जगह आई आर रख दीजिए, वी की जगह लिख दिया आपने आई आर, पी इक्वल टू क्या वी आई आर, ठीक है। तो वी की जगह आपने लिखा आई आर इंटू आई, ठीक है। पी इक्वल टू क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आर, ठीक है। ये फार्मूला ये भी हो गया, आई स्क्वायर आर वाट हो गया, बात समझ में आ गया। इसके बाद एक चीज और है, वी इक्वल टू आई आर होता है ना, तो यहाँ से आई इक्वल टू क्या हो जाएगा वी अपान आर हो जाएगा, तो आई की जगह वी अपान आर रख दीजिए, तो P इक्वल टू क्या है आई स्क्वायर आर है, ठीक है। तो यहाँ पे आई का वैल्यू हम लिख देंगे वी अपान आर, और इसका होल स्क्वायर आई इंटू आर, ठीक है। तो ये हो जाएगा P इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर स्क्वायर आई इंटू आर, आर से आर कैंसिल हो गया, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा वी स्क्वायर अपान आर हो जाएगा, ठीक है। ये सब किसमें आता है, वाट में आता है, ठीक है। तो देखिए कितने फार्मूले हो गए, फार्मूला नंबर 1 2, ठीक है, ये हो गया 3, ये हो गया 4, और ये हो गया, ठीक है, 5 फार्मूले ये हो गए। अब आप कहेंगे कि टर्म एक ही, या फार्मूले इतने सारे हो गए इसके, ठीक है। तो देखिए होता क्या है एक्चुअल में, कि क्वेश्चन जो दिए रहते हैं कभी कभी, जैसे क्वेश्चन जो होता है वो क्वेश्चन अलग अलग तरह का होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर सीधे सीधे वर्क और टाइम दिया है, कहा जाए कि 10 जूल वर्क 2 सेकंड में हो रहा है तो पावर बताओ, ठीक है, तो ये डब्ल्यू अपन टीएम यूज कर लेंगे। दूसरा पी इक्वल टू बी क्यू अपॉन टी है। अब मान लीजिए ये कहा जाए कि 220 वोल्ट लगाने पे 2 कूलम 4 3 सेकंड में स्लो कर रहा है तो निकालो, तो बी दिया है, क्यू दिया है, टी दिया है, तब उससे पावर निकल जाएगा, ठीक है। अब ये बी इक्वल टू बी आई है। अगर मान लो कहे किसी सर्किट में 220 वोल्ट पे 5 एम्पियर की करंट बह रही है तो कितना पावर कंज्यूम हो रहा है बताओ, तब ये फार्मूला हम यूज कर लेंगे, ठीक है। पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अगर मान लो कहे किसी सर्किट का रेजिस्टेंस 10 ओम है उसमें 2 एम्पियर की करंट जा रही है, पावर कैलकुलेट करो, तो ये फार्मूला यूज करेंगे, ठीक। अब उसके बाद पी इक्वल टू बी स्क्वायर अपन आर, मतलब ये कहे कि अगर एक रेजिस्टेंस है 10 ओम का, उस पर 220 वोल्ट लगाया गया, उसकी पावर निकालो, बात समझ गया। तो कहने का मतलब होता है कि जैसी आवश्यकता हो, जैसी जैसे देवता वैसी पूजा, जैसी आवश्यकता है वैसा हम फार्मूला हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट पावर, ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, धन्यवाद। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मैंने आपको बता दिया पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, ठीक है, या पावर इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम। तो ये जो वर्क या एनर्जी होती है वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, ठीक है। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लो कि कोई सेल होता है, ठीक है, अब जैसे मान लो कि कोई बैटरी है, दिस इज द बैटरी, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है। इसको हमने क्या किया, एक रेजिस्टेंस से जोड़ दिया, तो हम सिंपली क्या कहते हैं कि इसमें करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो करंट फ्लो करने का मतलब क्या हुआ, चार्ज फ्लो करेगा, बात समझ में आ रहा है। करंट फ्लो करने का मतलब क्या हुआ, चार्ज फ्लो करेगा। तो चार्ज तो ऐसे फ्लो करना नहीं करेगा नहीं, ठीक है। जो चार्ज होगा, चार्ज मतलब क्या होता है इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, फोर्स लगेगा, बोलो, फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूव करेगा। तो उस प्रोसेस में कुछ वर्क तो करना पड़ेगा ना सेल के द्वारा, ठीक है। वही क्या होता है, वही उसकी क्या होती है, एनर्जी होती है, बात समझ गए। तो एनर्जी को कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होगा, कैसे उसको कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पी इक्वल टू ई अपान टी, मैंने बताया था एनर्जी अपान एनर्जी कंज्यूम्ड अपान टाइम या वर्क अपान टाइम। तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी इंटू टी, ठीक है। तो पहला फार्मूला ये हो गया, ठीक है, टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, और ये जूल में आता है, क्या किसमें आता है, जूल में। और आप जानते हो कि 1 कैलोरी
वन कैलोरी कितना होता है, 4.2 जूल होता है, बात समझ गए? तो एक जूल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन जूल इज इक्वल टू 1/4.2 कैलोरी, ठीक है। तो अगर आपको इसको कैलोरी में चेंज करना है तो कितना हो जाएगा, 4.2 से डिवाइड कर, तो 4.2 कैलोरी, ठीक है। एक्चुअल में 4.18 होता है, ठीक है। देखो एक्चुअल में वन कैलोरी जो होती है वो 4.18 जूल के बराबर होता है, ठीक है, बात समझ गया, 4.18 जूल होता है, लेकिन उसको अप्रोक्सीमेटली 4.2 लिख दिया जाता है, ठीक है। तो अब इससे देखिए कितने फार्मूले निकाल सकते हैं, ये तो पहला फार्मूला हो गया, ठीक है, ये आपको पहला फार्मूला हो गया, ठीक है। अब जो है आप पावर के फार्मूले पुट करते जाइए, आपको एनर्जी का फार्मूला निकलता जाएगा, ठीक है। जैसे आपने देखिए फार्मूला पढ़ा था, P इक्वल टू क्या, वी आई, बताया था मैंने P इक्वल टू क्या होता है, वी आई। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, P की जगह वी आई रख देंगे, तो वी आई क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, बात समझ गया, ये आपका क्या हो गया, दूसरा फार्मूला हो गया, ठीक है। इसके बाद आपने P इक्वल टू पढ़ा था आई स्क्वायर आर, ठीक है, आई स्क्वायर आर पढ़ा था ना, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू टी है ना, तो यहाँ पे रख दीजिए आई स्क्वायर आर इंटू टी, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, तीसरा फार्मूला हो गया। इसके बाद आपने P इक्वल टू क्या पढ़ा था, बी स्क्वायर अपन आर पढ़ा था, E इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपन आर इंटू टी हो जाएगा, बात समझ गया। तो ये हो गया, ये सारा किसमें निकलता है, जूल में निकलता है, इसमें निकलता है जूल, ठीक है, ये भी क्या होगा, जूल होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो पावर वाला फार्मूला आपने पढ़ा है उसमें टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंज्यूम हो रही है या इलेक्ट्रिकल वर्क जो हो रहा है वो क्या होगा, सर्किट के अंदर कैलकुलेट हो जाएगा। तो दिस इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। अगर इसको कैलोरी में चेंज करना है, जैसे अगर ये सब कैलकुलेशन जो हम करेंगे वो जूल में आएगा, ठीक है, अगर आप इसको कैलोरी में चेंज करना चाहते हैं तो सब में 4.2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जैसे कहने का मतलब है, एक साथ में लिख दे रहा हूं, ये E इक्वल टू क्या, वी आई टी अपान 4.2, ठीक है, और ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी अपान 4.2, और ये हो जाएगा वी स्क्वायर आर इंटू टी अपान 4.2, ये किसमें आएगा, कैलोरी में आएगा, ठीक है, अगर कैलोरी में कैलकुलेट करना हो तो। जनरली कैलोरी किसमें, कैलोरी जो है जो हीट होता है, हीट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किया जाता है, कैलोरी को रिप्रेजेंट करते हैं, या खाना जो हम खाते हैं इंग्रेडिएंट जो होते हैं उनसे जो हमको मिलता है, जो एनर्जी मिलती है उसको कैलोरी में, जैसे आप कोई भी चिप्स का पैकेट खरीदिए तो उस पर क्या लिखा रहता है, देखते होंगे आप लोग, लिखा रहता है कि फैट इतने कैलोरी है, शुगर इतने कैलोरी है, ठीक है, तो उसको यूज करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और देखिए वर्क हो गया, एनर्जी और हीट, ठीक है, ये तीनों एक ही फिजिकल क्वांटिटी हैं, एक ही फिजिकल, जैसे पढ़ा इनको अलग अलग जाता है, लेकिन जो है तीनों का जो यूनिट होता है वो जूल ही होता है, बात समझ गए, ये जो तीनों चीजें हैं इन तीनों का यूनिट क्या होता है, जूल ही होता है, ठीक है। ये समझ लीजिए कि जैसे जुड़वा होता है ना, तो ये तिड़वा है, तीन लोग हैं, कौन कौन, वर्क एनर्जी और हीट, ठीक है। इनको रिलेट कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ आप अपना हाथ रगड़ो, ठीक है, आप अपना हाथ कितना रगड़ सकते हो, जितनी आपकी एनर्जी, जितनी कैपेबिलिटी आप डूइंग वर्क रहेगा उतना आप हाथ रगड़ोगे, ठीक है, तो जितनी आपके अंदर एनर्जी उतना अपना हाथ रगड़ रहे हो, वर्क कर रहे हो, और जितना ज्यादा अपना हाथ रगड़ोगे उतना ज्यादा आपका हाथ गर्म होगा, मतलब हीट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। तो ये तीनों चीजें, हीट, एनर्जी और वर्क, ये आपस में क्या है, रिलेटेड, ठीक है। तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि एनर्जी को भी जूल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पावर को, वर्क को भी जूल से रिप्रेजेंट कर रहे हो, हीट को भी जूल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं कि तीनों क्या है, एक ही फिजिकल क्वांटिटी है, अलग अलग रूपों में है, ठीक है, अलग अलग जगह पे, अलग अलग सर्कमस्टेंसेज में, अलग अलग इनका यूज क्या होता है, किया जाता है टर्म्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। अब देखो, तो ये हो गया आपका फार्मूला इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ये जो फार्मूला है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, देखिए जब किसी सर्किट में क्या होता है, करंट फ्लो करता है, तो होता क्या है, सर्किट गर्म हो जाता है। मैं ओम्स लॉ जब आपको पढ़ा रहा था तो ओम्स लॉ में क्या कंडीशन था, ओम्स लॉ में कंडीशन था कि इफ द फिजिकल कंडीशन ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर आर नॉट चेंज, था ना कंडीशन, वो कंडीशन क्या, फिजिकल कंडीशन क्या होता है, टेम्परेचर ही होता है। इसीलिए कभी भी ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो क्या करते हैं, एक रीडिंग लेने के बाद स्विच को ऑफ कर दिया जाता है,
बात समझ में आ रहा है ना। तो जैसे किसी भी सर्किट में जब करंट का क्या होता है, फ्लो होता है, तो सर्किट क्या होता है, गर्म हो जाता है, ठीक है। इसी को हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक है। या आप कह सकते हो, सिंपली इसको डिफाइन करना हो, ये कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू हीट एनर्जी, ठीक है। अब देखो हीटिंग इफेक्ट से मतलब क्या है कि जैसे अब कापर वगैरह का वायर होता है तो इनका रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक है। हीटिंग प्रोड्यूस ज़्यादा प्रोड्यूस होने के लिए, ठीक है, रेजिस्टेंस का ज़्यादा होना जरूरी है। जो भी हीटिंग एलिमेंट्स बनाए जाते हैं, जैसे हीटर का वायर होता है नाइक्रोम का, ठीक है, तो नाइक्रोम क्या है, वो मेटल नहीं है, वो एलॉय होता है। जनरली जो मेटल होते हैं, मेटल का रेजिस्टेंस कम होता है, लेकिन जो एलॉय होते हैं, एलॉय का रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो हीटिंग एलिमेंट जो होते हैं वो हमेशा किसके बनाए जाते हैं, एलॉय के बनाए जाते हैं, ठीक है। तो अब देखो, ये जो क्या कहते हैं, ये जो एनर्जी हमने कैलकुलेट किया है ना, तो यही एनर्जी हीट के फॉर्म में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो अब इसमें ये वाला फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली एक रूल है, जूल्स रूल, उसको जूल्स ला कहा जाता है उसको, ठीक है। तो आप लोग इतना समझ में आया होगा, इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं हीटिंग इफेक्ट को पूरा जो है डीपली डिस्कस करूँगा। धन्यवाद।